ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने लंदन में कहा कि अब कोई भारत को लाल आंख दिखाकर बच नहीं सकता है, भारत अब एक रणनीतिक शक्ति है। राजनाथ सिंह ने डोकलाम संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, 2020 में भारत और चीन के बीच आमना सामना हुआ और हमारे सुरक्षा बलों ने जो बहादुरी दिखाई, शायद यही कारण है कि चीन का भारत के प्रति नजरिया बदल गया है। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत अब कमजोर नहीं है। पहले हम रक्षा उपकरणों के आयात करते थे, लेकिन अब निर्यात की बात आती है तो हम शीर्ष 25 देशों में हैं। चीन सरकार भी मानती है कि भारत में हुए आर्थिक और रणनीतिक बदलावों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक ताकत बन गई है। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हम सबके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर युद्ध है।